जय जिनेंद्र दोस्तों, करते हूँ आप सबका स्वागत मेरे चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा में। तो कैसे हैं मेरे सभी दोस्त? बढ़िया है ना? होना ही है दोस्तों। सुनिएगा, नारी हमारी सबसे न्यारी है, शक्ति जिसकी सभी पे भारी। जी हाँ दोस्तों, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट। सच में आज की नारी बहुत शक्तिशाली है और नारी का ये शक्तिशाली रूप हर जगह देखने को मिलता है। देश की प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पायलट, ट्रेन ड्राइवर, बिजनेस वुमन, स्पोर्ट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी सेक्टर, हर जगह नारी की ये शक्ति छाई हुई है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नारी ने अपना सिक्का ना जमाया हो। हर फील्ड में नारी ने ये प्रूव किया है कि वो बेस्ट है। वो सब कुछ कर सकती है, जमीन से लेकर आसमान तक, हर जगह हमारी नारी आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। और केवल देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में नारी ने अपनी शक्ति का परचम लहराया है। चाहे वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, अब क्रिकेट को ही ले लीजिए, क्या हमने कभी सोचा था कि हमारी नारी क्रिकेट भी खेलेंगी? नारी ने अपने अस्तित्व का लोहा मनवाया है, केवल कहने के लिए ही नहीं, उसको साबित भी किया है, करके दिखाया है। और आज की ये शक्तिशाली नारी सभी को साथ लेकर चलती है, परिवार, समाज, देश, दुनिया, सबके साथ। यदि अपने अधिकारों की बात करती है तो अपने कर्तव्यों से भी मुंह नहीं मोड़ती, बखूबी निभाती है अपनी जिम्मेदारियों को। एक समय वो भी था जब नारी को केवल चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, एक लंबे से घूंघट के नीचे केवल घर के काम, बड़ों की सेवा और वंश को बढ़ाना, यही दो चार काम होते थे नारी के। न पढ़ाई, न लिखाई, न विचारों की आज़ादी, न सम्मान, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक नारी के लिए। और उसकी कोई पहचान न थी, देश दुनिया तो छोड़ो, अपने आसपास के वातावरण तक की जानकारी नहीं थी उस समय की नारी को। वक्त बदला, लोगों में जागरूकता आई, बेटियों को पढ़ाया गया, उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई गई और धीरे धीरे समाज की सोच में परिवर्तन हुआ, परिवारों की सोच में बदलाव आया। तब कहीं इतने सालों बाद जाकर आज ये नारी अपनी पहचान बना पाई है, उसको उसके खुद के वजूद से जाना जाता है। लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ, जो दिखता है क्या वास्तव में 100% ऐसा है? 20% औरतें अभी भी ऐसी नहीं हैं जो उसी पुरानी विचारधारा में जी रही हैं, बिना किसी से कुछ कहे बोले या अपना दर्द किसी को भी बताए, कि उन्हें पता है कि अगर वो कुछ कहेंगी तो उनका परिवार बिखर कर रह जाएगा, ये समाज क्या कहेगा। उन्हें नहीं पता कि नारी शक्ति क्या है, क्या हो रहा है देश दुनिया में। तो मेरे विचार से, देखिए ये केवल मेरा विचार है, कहीं ना कहीं आधुनिक समाज में भी कुछ ना कुछ नारी जरूर सहती जा रही है। आज भी कहीं ना कहीं वो अपने सपने को, अपनी इच्छा को और अपनी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबाकर बैठी है। क्या आज की नारी सुरक्षित है? कहीं भी वर्क प्लेस पे, पब्लिक प्लेस में, घरों में, क्या एक छोटी बच्ची से लेकर और बड़ी उम्र की औरत तक
कहीं भी पूरी तरह सुरक्षित है, तब लगने लगता है क्या वाकई नारी शक्तिशाली है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देव बसते हैं। नारी को माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और भी ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, पर क्या एक नारी को इंसान के रूप में समझा जाता है? या तो उसे भगवान बना दिया जाता है या फिर उसे निचले स्तर पर रखा जाता है। क्या कभी उसे एक इंसान मानकर अपने साथ रखा जाता है? क्या उसे सम्मान और बराबरी का हक दिया गया है? मैं अक्सर इन बातों को सोचती हूँ कि अभी भी पूरी तरह बदलाव नहीं आया है। क्या आपको नहीं लगता क्या पूरी तरह वुमेन एम्पावरमेंट हो गया है? मैं हमेशा ये इच्छा करती हूँ कि नारी पूरी तरह 100% शक्तिशाली हो जाए। सही मायने में तभी नारी होगी सब पर भारी। देखिए, भारत को भी तो हम भारत माता कहते हैं ना। मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढती हूँ, तब तक आप लीजिए एक ब्रेक। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्माइल कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय गाइस, सी यू सून।